भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। गुवाहाटी में खेले जा रहे इस मुकाबले में तेंबा बाउमा यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया और भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम इंडिया के लिए पहले विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी रोहित शर्मा और KL राहुल के बीच में हुई। इसके अलावा बाद में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाया और विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में नजर आए। वही बात करें अगर रोहित शर्मा की तो रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में कदम रखते ही और साथ ही मुकाबले में प्लेइंग 11 में शामिल होते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा की बात करें तो वह भारत के लिए पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनके नाम कुल 400 T20 मुकाबले हो गए हैं। रोहित शर्मा का यह 400वां T20 मुकाबला रहा। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने IPL साथ ही तमाम अन्य लीग्स और T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले मिलाकर के कुल 400 T20 मुकाबले खेल लिए हैं। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा बात करें अगर रोहित शर्मा की तो वह टीम इंडिया के कई अन्य खिलाड़ियों से बहुत आगे निकल गए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने IPL में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार टाइटल भी जीता है। इसके अलावा रोहित शर्मा अब भारत के लिए भी कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी रोहित शर्मा ने भारत के लिए सर्वाधिक मुकाबले खेले हैं। वह अब तक कुल 400 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। उनके बाद अगर किसी भारतीय खिलाड़ी का नंबर है तो वह दिनेश कार्तिक हैं। उनके नाम कुल 368 T20 मुकाबले हैं। वहीं MS धोनी ने कुल 361 T20 मुकाबले खेले और विराट कोहली 353 T20 मुकाबले खेल चुके हैं। सबसे ज़्यादा T20 मुकाबले खेलने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के पूर्व खिलाड़ी किरण पोलार्ड के नाम है। किरण पोलार्ड ने कुल 614 T20 मुकाबले खेले हैं। वहीं डेवन ब्रेवो दूसरे नंबर पर हैं जिनके नाम 556 T20 मुकाबले हैं और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के शोएब मलिक का नाम है जिन्होंने 481 T20 मुकाबले खेले हैं। पोलार्ड और ब्रेवो दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम 500 या उससे अधिक T20 मुकाबले हैं। वहीं अब इस लिस्ट में टीम इंडिया के रोहित शर्मा भी जुड़ चुके हैं। बहरहाल क्या कुछ आपकी राय है रोहित शर्मा के इस बड़े रिकॉर्ड को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।